आपका सक्षम न्यूज इंडिया में। मैं इस वक्त आपके साथ शुभम कुमार गुप्ता और आप देख रहे हमारा नॉन स्टॉप चुनावी एक्सप्रेस। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, इस समय हम पहुंचे हुए हैं स्वर्ग आश्रम जोक नगर पंचायत में और कांग्रेस से प्रत्याशी माधव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, बात करें उत्तराखंड में कुछ टेम्परेचर जो मौसम में देता है, लेकिन राज्य में टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या और चुनाव का माहौल है तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, काम करते तो दिवाली के वक्त तो और अच्छे से चुनाव संचालन। स्वर्गासम की बात करें, जब हम स्वर्गासम ना मिलता है अच्छा है, लेकिन यहाँ की छवियों के बारे में जानते हैं तो वो ऐसा स्वर्गासम दिखाई नहीं देता, जैसे कि बगल में है कल्पल कृषि मांगा बगल में है रामचूला है, यहाँ पे गलियाँ इतनी गंदगी पड़ी रही है, क्या बोलते हैं साफ सफाई दिखाई नहीं देती, आपका रूट प्लान बदल गया होगा। आपने जो बात बोली तो सही है, और बड़ा दुख होता है कि ये वर्ल्ड योगा कैपिटल है, हर तरह गंदगी है, फॉर्मल लोग शिकायत करते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है कि बंदे ही सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, गऊ माता के लिए एक हाउस बनाना है जहाँ पर गऊ माता रहेगी, और ये योग ग्राम है तो यहाँ पर हर जगह हम योग की मूर्तियाँ लगाएंगे जिससे कि वर्ल्ड में यहाँ का मिल जाए। और हमारा उद्देश्य ये कि रामजुला स्वर्गासन मेरा मिल जाए तो लक्ष्मी जुला को स्वच्छ सुंदर सबसे प्रथम उद्देश्य होगी, बटक जो चार मुख्य हैं यहाँ की सरकार देने लगे आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।